चेंज होता है यानी जो टेबल स्प्लिट हो रहे होते हैं या नए टेबल बन रहे होते हैं उसकी रफ्तार बहुत कम होना शुरू हो जाती है तो लेकिन मैंने कोशिश ये की है यहां कि टेबल के जो स्ट्रक या जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर था वो बाय डिजाइन मैंने ऐसा रखा था कि आपको नजर आए कि टू एन एफ कैसे हो रहा है वन एन एफ कैसे हो रहा है वरना अमूमन ये होता है कि आपके रिलेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलरेडी टू एन एफ में होंगे जैसा हमारे केस में स्टूडेंट का टेबल था ऑलरेडी लेकिन क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट थोड़े जानबूझ के ऐसे लिखे थे कि आपको समझ आए कि टू एन एफ एक्चुअल हमने होगा तो उसका आंसर कैसे होगा अगेन थ्री एन एफ अब थ्री एन एफ क्योंकि एक और स्टेप टूवर्ड और डिटेल है तो इसका है कि एन एन एफ एफ हुआ और अगेन अब के अंदर जो जो नए टेबल्स बनेंगे वो रिलेटिवली बहुत कम बनेंगे ये आपको मैं बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूं या बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूं इट्स नॉट अ रूल यानी आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते कि थ्री एन एफ के बेसिक के ऊपर टेबल ही बनेगा नहीं इट विल अगेन डिपेंड ऑन द एट्रीब्यूट एन योर डिजाइन नाव वॉट इज थ्री एन एफ थ्री एन एफ ये कहता है कि देर शुड बी नो ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी मीन ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी आम यानी लेम टर्म में क्या है ट्रांजेटिव डिपेंडेंसी यह है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड ना कर सके करेक्टली या यूनिकली मीन देर शुड बी नो डिपेंडेंसी अमंग नॉन की एट्रीब्यूट यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नॉन की एट्रीब्यूट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर अगर यह है तो दिस मीन की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है यू हैव टू रिमूव इट मीन अगर नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है दैट मीन योर रिलेशनशिप इज हैविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यू हैव टू रिमूव द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी अमंग द रिलेशन दैट्स नंबर टू जब हम ये कह रहे हैं कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है दिस डज नॉट मीन के टू एन एफ खत्म हो गया मीन दिस डज नॉट मीन के फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी On the key attribute या key attributes, वो खत्म हो गई है वो अपनी जगह मौजूद है यानी मतलब हम टू एन एफ के रूल्स को ओबे करते हुए आ रहे हैं टू मेक श्योर कि थ्री एन एफ भी ओबे हो तो टू एन एफ के जितने भी रूल्स है वो ऑलरेडी ओबे हो रहे हैं यानी वो वॉलेट नहीं हो रहे यानी आपको ये इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि आप ये सोचें कि अब हम थ्री एन एफ में हैं तो पार्शियल डिपेंडेंसी या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो पार थी टू एन एफ का लेट्स फॉरगेट इट नाउ फोकस ऑन नॉन की एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर मतलब जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ऐसा नहीं है तो टू एन एफ के रूल्स अपनी जगह वो वॉलेट नहीं होंगे अगर वॉलेट होंगे तो आपका रिलेशनशिप टू एन एफ में ही नहीं होगा तो लेकिन आपने थ्री एन एफ में सिर्फ ये मेक श्योर sure करना है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटर्मिन ना करे आई I मीन mean, इसका इंटरसिक मतलब है कि ओनली की शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉन की एट्रीब्यूट लेकिन अगर नॉन की एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर है दैट मीन यू हैव टू स्प्लिट द टेबल्स इन टू द न्यू फॉर्मेट टू मेक श्योर के जो आपके रिलेशन हैं वो वो उनके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद ना हो